गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पॉइंट आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब ये समझिए, हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में कई सारे फ्री चार्ज कैरियर हैं। कंडक्टर के अंदर इन्हें इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, और सेमीकंडक्टर में इसे इलेक्ट्रॉन या होल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या कंडक्टर के एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव अप्लाई करेंगे, या कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ऐसा होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक्सेलरेट होंगे। तो यहां पर ड्रिफ्ट, कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, क्या कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाता है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो यहां पर देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन बाय चार्ज पार्टिकल बाय अप्लाई ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ, इट इज द मैग्नीट्यूड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो पता ही है तुम्हें आपको कि हमें मैग्नीट्यूड काउंट करना होता है। तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो चार्ज पार्टिकल है जिससे कि ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, गेन बाय द चार्ज पार्टिकल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह से वेलोसिटी में गेन ही होता है, बाई अप्लाई ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बताया गया था V बाई एल, अगर कंडक्टर की लेंथ यहां से यहां तक L है, V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अलाउ अप्लाई किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, V बाई एल आ जाएगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाती है। तो मोबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मोबिलिटी को लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज मोबिलिटी इज स्केलर क्वांटिटी। मोबिलिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम मोबिलिटी को यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड होल। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। कंडक्टर में क्या होते हैं, करंट, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो म्यू ई से इंडिकेट की जाएगी, होल की मोबिलिटी को म्यू एस से इंडिकेट किया जाएगा। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है,
होल्स हैं। मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है और होल की कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। ऐसा क्यों होता है इसे सेमीकंडक्टर के अंदर आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है, पहला पॉइंट मोबिलिटी क्या होती है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिप वेलोसिटी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल बाय अप्लाई ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू कितना हो गया, वी डी बाई ई हो गया, ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या हो गई, वी डी की होती है मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, जो करंट को कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो दो कैरियर की वजह से माना जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को म्यू ई से इंडिकेट किया जा रहा है, होल की मोबिलिटी को म्यू एस से इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है और होल की कम होती है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे सिर्फ इतना ही आपको याद रखना।